3x इस सवाल में जो है x का मान जो है रख देना है और सरलीकरण जैसे मैथ बनता है उसी तरह बना देना है, x के जगह पर 3 रख देना है, तो इसका स्क्वायर है 5 × 3 का स्क्वायर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह है, डॉट का मतलब यहाँ पर है गुणा, ये 10, ये जो है पॉइंट नहीं है। तीन इंटू तीन का स्क्वायर 9 माइनस 5.9, 5 × 9 है ये, डॉट का मतलब यहाँ पर गुणा, 3 का 9 माइनस 9 माइनस 5, अब ये गुणा हो जाएगा 27, 9 × 3 = 27, 45, 9 माइनस 18 माइनस 5, 27 माइनस 45, और 18 में से 5 गया 13, 27 माइनस 45, और ये बच गया गुणा में -4। ये जो कोष से बाहर निकलेगा यहाँ पर कुछ नहीं है, तो गुणा का चिन्ह है, तो माइनस प्लस का अगर गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, 27 माइनस ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस ऐड कर देंगे, ये हुआ जवाब 207। कुछ नहीं करना था इसमें, एक्स के जगह पर मान रख देना था। इस सवाल की तरफ बढ़ते हैं, 58 नंबर सवाल। इस सवाल को बनाने में हमें एक जो अलजेबरा का सूत्र याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए माइनस बी, अगर इस तरह कोई चीज दिख रहा है इसके बदले, इतना चीज के बदले हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, एकदम वही सवाल है। अगर इसका और इसका गुणा करते हैं तो पावर इस पर एक और इस पर पावर एक, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और ये हो जाएगा बी स्क्वायर, और नीचे भी ए यहाँ पर और बी यहाँ पर, तो इसके इतना चीज के बदले हम ए प्लस बी लिख सकते हैं, हूब हू एकदम। तो ए का मान मानते हैं कि यह है 0.7 है, तो यह जो है इसे सूत्र को लागू करते हुए इसको बना सकते हैं, 7.9 × 0.21 और भागा में है जो है 1/5, ये दोनों को ऐड कर देते हैं तो 1.00 / 1/5, यानी हो गया 1 × 5, ये पॉइंट के बाद 0 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये हुआ आंसर 5। तो ये जो है ये लंबा चौड़ा मैथ जो है इतना बस आसान जो है, ये सूत्र याद रहे और ध्यान रहे तो ये आसानी से बन सकता है, और ये जो है भागा जो है अगर गुणा में होता है तो पलट जाता है इस, तो ये ऊपर हो गया 5, नीचे 1 नहीं लिखा था, तो 1 और 5 का मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आंसर।